आते हैं और दिखाते हैं। तो हम डॉक्टर साहब के पास में अपने बेटा को लेकर गए थे, डॉक्टर साहब ने पूरा देखा, देखने के बाद में बोले कि हम आपको ऑपरेशन करा देंगे। मेरे दोनों पैर है कहाँ टेढ़े हो गए थे, मुझको उठा नहीं जाता था, मेरे जो हाथ है उसको पकड़ के जा रहा था, उठता था, बड़ी बड़ी दिक्कत हो गई थी। ऐसा लग रहा था कुछ दिन बाद मैं क्या करते बिल्कुल मैं बैठ जाऊँगा। यहाँ मसला में डॉक्टर अब जिस अग्रवाल जी हैं वो बोले कि आपका हाथ भी टूट जाएगा, आप पैर टूट गए, आप तुरंत ऑपरेशन कराइए। तो मैं डॉक्टर साहब से मिलने के बाद में हमने 12 दिन को अपने बाएं पैर का ऑपरेशन कराया। उसके बाद में हम घबरा गए थे, ज़्यादा परेशान हो गए थे, तो हमने दूसरा ऑपरेशन 14 जून को कराया। हम उसके बाद में शनिवार को घर चले गए, दिल्ली में हम रहते हैं। मेरा जो है पहले 2008 में एक्सीडेंट हुए थे, उस समय मैंने 6 ऑपरेशन कराए थे। जब से मैं सही था सन 2017-18 के बाद में घुटनों में तकलीफ अधिक होने लगी। जब इतना हो गया कि मुझ पर चला फिरा नहीं जाता तो मैं इनके कांटेक्ट में आया। कांटेक्ट में उन्होंने एक्सरे करके नहीं ये पाया कि तुम्हारे दोनों घुटनों की हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ चुकी हैं। तो मैंने इनसे पूछा इसका क्या इलाज है, बोले भाई दवा मैंने बहुत खा ली उससे कोई भी आराम नहीं पड़ा, तो इसका केवल एक ही इलाज है ऑपरेशन। अब मुझे इनसे चित्त भरना था, तो चित्त भरने के लिए बस मैंने इतनी ही जानकारी की आप कितने ऑपरेशन एक महीने में करते हो, तो उन्होंने कहा मैं 50 से 60 ऑपरेशन करता हूँ। अब क्या पोजिशन है आपकी? अब मेरी पोजिशन बहुत अच्छी है, इन्होंने दोनों घंटों मैंने बदलवाई। आपको चलने फिरने में कोई समस्या? कोई भी कैसी भी समस्या नहीं है। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा या तो वो स्वयं सावधानी रखे, अगर वो जब पेस्ट नहीं खाई हुई है तो कृपया अच्छे ही डॉक्टर से संपर्क करके अपना इलाज कराना चाहिए। आपका कितने रुपए में इलाज हुआ था? मेरा 3,20,000 रुपये में दोनों घंटों का ऑपरेशन मैं खर्चे के 5 दिन का रहना, मेडिसिन देना, जो बहुत अच्छी सुविधाओं के साथ प्राइवेट रूम देकर। मैं डॉक्टर साहब के लिए कहूँगा ठाकुर जी करे इनको ऐसा यश दे कि ये दिनों दिन तरक्की करे। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल हूँ मैं, एज ए डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल फरीदाबाद में कार्यरत हूँ। अब हम यहाँ पर मथुरा के अंदर अपनी OPD स्टार्ट कर रहे हैं। पहले और तीसरे रविवार को 12 बजे से 2 बजे तक विपिन नर्सिंग होम के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं कृष्णा नगर। यहाँ पर हम सारे पेशेंट्स की OPD करेंगे, OPD कंसल्टेशन देंगे पेशेंट्स को, और OPD कंसल्टेशंस में उनके सारी समस्याएं देखेंगे और जितनी भी हेल्प उनकी कर सकते हैं हम, जो ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स हैं वो यहाँ पर सारे हो जाएंगे। ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के लिए उनको फरीदाबाद आना होगा, वहाँ पे करके फिर सारा फॉलोअप हम यहीं पे ही उनका कर लेंगे, यहीं पे उनकी ड्रेसिंग हो जाएगी, यहीं पे उनकी सारी एक्सरसाइजेस रिहैबिलिटेशन सब कुछ हो जाएगा। डॉक्टर साहब अब तक कितने ऑपरेशन आप इस तरह के कर चुके हैं? इस तरीके के नी रिप्लेसमेंट हम 8 से 10 हज़ार कर चुके हैं, पिछले 19-20 साल का एक्सपीरियंस है हमारा, उसमें हम इतने कर चुके हैं, और ऑर्थोपेडिक ऑपरेशंस मोर देन 12,000 हम लोग कर चुके हैं। घुटनों को समस्या ज़्यादातर या तो फैमिली हिस्ट्री होती है पॉजिटिव, जिनके पेरेंट्स को समस्या है उनको समस्या होने का चांस है, या जिनको वेट ज़्यादा है वेट की वजह से काफ़ी लोगों को समस्या होती है, या फिर कोई उनको अपने बचपन में चोट लगी है घुटनों में उसकी वजह से हो सकता है, या फिर बहुत प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग वाला काम कर रहे हैं या स्टेयर्स पे बहुत काम कर रहे हैं, उन लोगों को जो अपने घुटनों का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उनको ये समस्या होने का चांस है। इस चीज़ के लिए सबसे पहला अपना वेट कंट्रोल रखें, वेट को हमेशा नियंत्रित रखें, वेट कंट्रोल के लिए अपना डाइट्स का ध्यान रखें, चिकनी चीज़ें ना खाएं और बहुत ज़्यादा मीठा ना खाएं, और एक्सरसाइज रेगुलर करें, अपना साइकिलिंग, स्विमिंग, वॉकिंग ये वाली एक्सरसाइजेज शुरू करें, प्लस अपने घुटनों की एक्सरसाइजेज शुरू करें, और अगर आपको घुटनों में कोई तकलीफ हो रही है या कोई चोट लगती है घुटनों में तो अपना डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। अच्छा बात करें सर, इसके इलाज में कितना अगर आदमी को कहीं कोई खर्चा कर देता है? घुटनों के इलाज में डिपेंड करता है आपके घुटनों में प्रॉब्लम कितनी है। अगर आपकी अर्ली प्रॉब्लम है तो खाली दवाइयों से ठीक हो सकती है, एक्सरसाइजेज से ठीक हो सकती है, आप डॉक्टर से अपने कंसल्ट करें।